हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री ब्लॉग। मैं हूँ जयश्री, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो पर। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद अगेन आप लोगों के साथ मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने कुछ चार पांच चीज़ें शॉपसी और एक चीज़ मैंने मीशो से मंगाई है, तो वही सब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, मुझे कैसा प्रोडक्ट मिला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और पास मेरे छोटा सा नोटिफिकेशन बेल को उसे भी हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करें। सो गाइस, पहली जो चीज़ है वो है ये ब्यूटीफुल सा स्काई ब्लू कलर की नेट की साड़ी। आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब ये स्काई ब्लू है एकदम पतली, जो आपको व्हाइटिश कास्ट का जो स्काई ब्लू मिलेगा वो कलर का आपको साड़ी है। ये पूरी साड़ी नेट की है, एकदम आगे पीछे ये पूरी ऐसे ही है। ये देखिएगा, ये जो पल्लू है उसमें ये ब्यूटीफुल सा टेसल का वर्क दिया हुआ है पूरी पल्लू में। आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगती है गाइस। इसका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है, मतलब ये बहुत ट्रेंड में चल रही है ये साड़ी। आप लोग देख सकते हैं, पूरी साड़ी नेट की साड़ी में यह छोटे छोटे सा इसे क्या कहते हैं, इसे फैब्रिक का मतलब वो छोटे छोटे डिज़ाइन दिए हुए हैं पूरी साड़ी में, ऐसे ही है। एंड गाइस, इसकी जो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसकी स्मेल। इसके मतलब इससे ये जो बलून बलून होती है ना बच्चे लोगों का, उसकी स्मेल आ रही है इसमें से, मुझे वो अच्छी नहीं है। मैंने इसे दो बार ऑलरेडी धो दी है, इसकी स्मेल चली जाए पर इसकी स्मेल नहीं जा रही है, अभी भी इसमें बलून की मतलब महक है। एंड ओवरऑल मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। मैंने किसी को देखा था इसे पहनते हुए, उसके बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया है, मुझे बहुत पसंद आई गाइस। ये हो गई फर्स्ट चीज़। एंड सेकेंड चीज़ है ये ब्यूटीफुल सा नेक पीस। ये देखिए गाइस, पूरी चेन और ये लॉकेट इसके साथ, ये देखिए इसकी जो मतलब इसकी जो डायमंड है ऐसी टाइप की, ये खो गई है ये देखिए, या फिर ऐसे ही मुझे रिसीव हुई थी। मुझे मैंने तब उतना मतलब अच्छे से नहीं देखा है, मैं जब आज इसे निकाली वापस मुझे तब पता चला इसमें जो ये वाली जो डायमंड है वो नहीं है इसमें, है ये देखिए पर इसमें नहीं है। खैर, मुझे ये इयरिंग काफ़ी प्यारी है और मैं पहनूंगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है ये वाली इयरिंग, क्योंकि इसकी जो पिन है वो मोटी है और मेरी कानों में मोटी पिन की इयरिंग्स मैं नहीं पहन सकती, इसकी पिन काफ़ी मोटी है। तो मैं पहनूंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये दोनों बहुत प्यारे लगे। एंड मैं हाँ, एंड ये नेक पीस भी मुझे काफ़ी प्यारी लगी, इसकी चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी लॉकेट भी बहुत सुंदर है गाइस। साड़ी के साथ ये बहुत सुंदर आएगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर लुक देगी साड़ी के साथ। मैंने इसे साड़ी के साथ वेयर करने के लिए लिया है। एंड गाइस, इसकी प्राइस बता दूँ, मुझे ये सिर्फ 88 रुपीज़ में मिल गई है, मतलब ये दोनों और ये 88 रुपीज़ में मुझे मिल गई है। एंड मैंने सोचा नहीं था 88 रुपीज़ के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी, मतलब इसकी चेन ही काफ़ी अच्छी चेन है, मजबूत है बहुत, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली चेन। इसके बाद है गाइस ये वाली नेक पीस, ये फूलों वाली आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की ये वाली नेक पीस गाइस, ये बहुत मतलब मुझे ये बहुत पसंद आया। ये भी मुझे सिर्फ 98 रुपीज़ में मिला है एंड ये पूरी तरह गोल्डन कलर की है एंड इसमें ये छोटे छोटे डायमंड दी हुई है, ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर डायमंड दी हुई है, आप सब देख सकते हैं। एंड ये काफ़ी लाइट वेट है एंड ये बहुत प्रिटी लगती है जब आप इसे पहनते हैं, ये देखिएगा बहुत अच्छी लगती है। एंड आप इसे साड़ी के साथ या गाउन के साथ, फ्रॉक के साथ, किसी के भी साथ पहन सकते हैं,
मतलब इतनी अच्छी इतनी सुंदर लग दिखती है ना ये। एंड इसके साथ ये वाली छोटे छोटे दो इयररिंग्स मिले हैं जो सेम है एक बिल्कुल इसके जैसे ही है, एक फ्लावर टाइप। अब ये पूरी ईयर पूरी नेकलेस देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्लावर से डिज़ाइन की हुई है। एंड गाइस इसके बाद है एक किचन का सामान जो कि है ये क्यूट सा चॉपर। आप लोग देख सकते हैं, आप इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में इसकी रिव्यू शायद आप लोगों ने देखा होगा। मुझे ये काफ़ी पसंद आया इसलिए मैंने ली है इसे। एंड किचन में ये काफ़ी मतलब मददगार है। एंड इसमें ये ब्लेड आती है, देख सकते हैं कुछ फैन टाइप की ब्लेड जो मुझे काफ़ी शार्प लग रही है। मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। वैसे देखिए ये फाइबर जो फाइबर प्लास्टिक होती है वो वाली ये है, एंड ये वाली प्लास्टिक ही है। मतलब अगर टूटता है तो ये पहले टूटेगा, ये बाद में टूटेगा, ये आसानी से नहीं टूटने वाला, पर ये टूट सकती है। एंड ये डोरी भी, मुझे ये डोरी खास अच्छी नहीं लगी है, खुल गई है। मुझे ये डोरी इतनी खास अच्छी नहीं लगी है, मतलब किसी भी वक्त टूट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। एंड ये मुझे 160 में दो मिला टाइप के बॉक्स में आए हैं, ये मुझे आज ही रिसीव हुई है। आते ही मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया था। एंड ये रही इसकी दूसरी वाली, मैं ये पैकेजिंग से ओपन नहीं करूँगी क्योंकि ये सेम टू सेम ही है दोनों। तो ये रही लास्ट चीज़। एंड फिर मैं गाइस मैंने एक चीज़ मीशो से भी ऑर्डर की थी, वो है बाबू का ड्रेस जो 3 पीस सूट है। एंड ये रही इसकी पैंट, इसकी पैंट का काफ़ी लंबी आई है, मतलब मैंने छः उम्र तक मैंने दी थी ऑर्डर। एंड इसकी पैंट काफ़ी लंबी आई है, मतलब 6 साल के बच्चे को भी आसानी से हो जाएगा पैंट। एंड इसके पैंट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल की है, बच्चे को मतलब बच्चे के हिसाब से ये काफ़ी सॉफ्ट है। एंड इसकी जो मतलब ये पीछे साइड इसकी बेल्ट दी हुई है, एंड सामने हुक है, बटन है। एंड ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ा भी सॉफ्ट है एंड इसमें थोड़ी सी शाइन भी है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस मुझे जो ख़राब लगी है वो है इसकी शर्ट और जैकेट। ये रही जैकेट, मतलब पैंट तो काफ़ी अच्छी खासी लंबी है पर जैकेट उतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब एक 6 साल के बच्चे के लिए ये छोटी काफ़ी काफ़ी छोटा हो जाएगा 6 साल के बच्चे के लिए, बट इसके जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी है। इसके बटन भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए बटन। एंड इसकी जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मटेरियल है। एंड मीशो में गाइस आपको मतलब बहुत कम ही चीप क्वालिटी के कपड़ा मिलता है। एंड इसमें ये जो ये इसे क्या बोलते हैं गाइस मुझे नहीं पता, पर मुझे इस ये वाली बैच, हाँ इसे बैच ये वाली बैच मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड इसे ओपन भी किया जा सकता है, मतलब इसे यहाँ से निकाल के दूसरे ड्रेस में भी मैं अटैच कर सकती हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। एंड इसकी जो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो ओके ओके टाइप है, उतना अच्छा नहीं है, पर ओवरऑल मुझे ये काफ़ी पसंद आई। बट इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, मतलब आप अगर 6 साल के आपके बच्चे आपका बच्चा शायद 6 साल की है तो आप इसे एटलीस्ट सिर्फ 6 महीना ही इसे पहना सकते हैं। ये हो गया जैकेट। एंड ये रहा इसका शर्ट। एंड शर्ट गाइस मुझे उतना पसंद नहीं, शर्ट भी मुझे उतना पसंद नहीं है। पहले तो ये बहुत छोटी है, एंड सेकेंड इसकी कपड़ा जो है सॉफ्ट है कपड़ा, बट इसकी बटन सारी टूटी हुई आई है। ये वाली अच्छी है, ये देखिए ये वाली टूटा है, ये वाली भी, ये वाली अच्छी है। एंड इसकी जो मतलब मटेरियल है वो अच्छा, मतलब कपड़ा सॉफ्ट है पर मटेरियल इसके अच्छा नहीं है, मतलब एक अगर आप इसे एक बार धोगे तो ये ख़राब हो जाएगा कपड़ा। ये ऐसी टाइप का मटेरियल है जिसके मटेरियल पसंद नहीं आया। एंड ये साइज़ में भी मुझे छोटा हो गया, मतलब पैन लंबा हो जा
काफ़ी लंबा है एंड जैकेट और शर्ट बहुत छोटी है। मुझे ये बात बहुत मतलब अच्छी नहीं लगी है ये बात मुझे। बस ये रहा बाकी सब सामान। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन सब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड इन सब की प्राइस भी मतलब सब मुझे 300 के अंडर ही मिल गया। मतलब सबसे क्या सामान तो मुझे 200 के अंदर ही सब कुछ मिल गया। 200 के अंदर या 250 150 भी कह सकते हैं, इसके अंदर ही मुझे सब कुछ मिल गया। एंड बाबू का जो कपड़ा है वो मुझे 300 या 350 के करीब पड़ा था। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कोड भी दे दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।